हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और ये ड्रेस बनाना बहुत ही इजी है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती वो भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आज की इस ड्रेस को हम 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए हैं, और यहाँ पर हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखा रहे हैं। ये रहे हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल। इस तरह ऊपर से इसको इस तरह डालेंगे और नीचे की तरफ ले जाते हुए इसमें एक पैर पहले डालेंगे, फिर इसको दूसरे पैर से इस तरह ऊपर को खिसकाते हुए पहना देंगे। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम बताते हैं। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी लंबाई है 9 इंच। सेम इसी तरह का एक फैब्रिक और लेंगे। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और इसकी लंबाई है 7 इंच। एक नेट का फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई इसकी 47 इंच की है। 47 इंच की हमने 2 पट्टी कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसमें प्लेट बनाएंगे। इस तरह प्लेट बनाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलाई लगाकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रिल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे। मेन फैब्रिक को नीचे रखने के बाद में इसको फ्रिल को इस तरह ऊपर रखते हुए इसमें किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। फ्रिल को अटैच कर दिए हैं। अब इसको इस तरह पलट कर इसमें एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इसमें सिलाई को लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर की साइड इस तरह पलट कर उल्टा करेंगे, फिर इधर से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इसमें एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें सिलाई को लगा दिए हैं। अब इसको साइड में रखेंगे। जो 7 इंच की पट्टी ली थी इसको डबल करेंगे और डबल करके इसमें फ्रिल में इस तरह किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए इसमें अटैच करेंगे। इस पट्टी को फ्रिल में अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह पलट कर इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह पट्टी में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये चोली बनकर तैयार हो गई है। आप चाहो तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी में अटैच करूँगी। इसको इस तरह बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसको सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे।
इस तरह इस सिलाई के ऊपर इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह रखकर। चलिए इसको अटैच करके कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने इसको चोली को अटैच कर दिए हैं। अब इसमें लास्टिक डालेंगे, आप चाहो तो डोरी भी डाल सकते हैं। हम इसमें लास्टिक डालेंगे। लास्टिक की लंबाई देखें तो 5 इंच की है। अब इसमें सेफ्टी पिन में डालकर इसके अंदर से निकाल लेंगे। लास्टिक को इस किनारे इधर जॉइंट सिलाई लगा देंगे और इस किनारे भी सिलाई लगा देंगे। लास्टिक में दोनों साइड में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इस तरह कट कर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में इधर सीधे तक एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसको इस कट वाले निशान को इधर पे सिलाई वाले निशान से मिलाते हुए इस तरह एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक बी शेप में सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर सिलाई लगाया है इसके सिलाई के अंदर अंदर इसको कट करके निकाल देंगे। इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर हमारी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है।